अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग फॉर एमडब्ल्यू। और आप लोग सब कैसे अच्छे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी अच्छी हूँ। और आज 21 का रोज़ा, तो कल एक दिन का रोज़ा मेरा छूट गया था गलत फहमी से, वो जान दीजिए। आज 21 का रोज़ा, तो मैं रोज़ा रखने उठ गई और अभी बज रहा है 4:13। मैं उठी, बहुत देर हो गया। मैं उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़ी, तहज्जुद की नमाज वमाज पढ़ के अभी आई शायरी करने। तो आज मेरा साथ साथ और भी दो जन रोज़ा रखेंगे, मेरा लड़का भी लड़की भी। लड़की तो बोलते हैं मैं आज से ही रोज़ा रखेंगे पूरा, बाकी का देखेंगे कब कितना दिन रख। सोई थी मैं, उठा रही, उठती नहीं है। मैं उठाई कब से, 3:30 बजे से उठ उठ चल तहज्जुद की नमाज पढ़ने का, फिर शायरी करने का, नहीं उठ रही है। वह हाड़ हाड़ इसमें सोने का टाइम मोबाइल लेके, मोबाइल देखते देखते सो गई है। मेरा 2 बजे जब आँखें खुला, 2 बजे उठ के देख लूँ उसकी मोबाइल चालू, हाथ में मोबाइल और वो सो रही है चालू में। फिर मैं मोबाइल बंद की करके, फिर मोबाइल लेके सब वाईफाई बंद की करके फिर मैं सोई, तो नींद ही नहीं आ रहा था। कैसा अजीब सा एक ये हो रहा था, डर लग रहा था। फिर जाकर धीरे धीरे सो गई, फिर उठी, उठ के आके तहज्जुद की नमाज पढ़ी, फिर ऊँची ऊँची करके फ्रेश हो गए, तहज्जुद की नमाज पढ़ के अभी वाली शायरी कर लूँ। तो चलिए देखा लो क्या है आज और कौन कौन रख रहा है। देखिए ये इंसान सो सो के रख रहा है, दूध पिएगा, बोली जा दूध देख के, वो दूध बिस्किट खा के, ये दूध बिस्किट खा के शायरी करेगा। शायरी में दूध बिस्किट खा के रोज़ा रखेगा और उसके लिए मैं खाना लेके आई, मेरा और उसका दोनों का खाना, काल का सालन है और अंडा है, मैं ले गई। मेरे को लगा ये खाना खाएंगे, मेरा कल भी बोला था, कल भी बोला था। सो गपचुप, मैं उठाने वाली नहीं। और इधर 2 बॉटल पानी, और उधर का हालत तो जान दीजिए। अभी छुट्टी गिर गया बच्चा लोग का, अभी सब साफ सफाई होगा। और उधर मेरा हस्बैंड का ही सामान रहता है, वही फैलाता है सब। और वो उधर कितना भी साफ करो ना, वही फैलाएगा उधर का सामान, वैसे पूरा पासरा कर देगा उधर। मैं साफ करती हूँ एक तरफ और एक तरफ वो पासरा खाना करता है। और एक जन जो सो सो के तहज्जुद की नमाज पढ़ रही है और रोजा रख रही है। चले उसको खाना दे दूँ फिर मिल रही। चले इंद्रा अपने मम्मी जी ब्रश बोल दे। मम्मी जी कुरान पढ़ते हुए, और मम्मी ने भी ब्रश नहीं किया, अच्छे से किए रगड़ रगड़ के, बहुत अच्छे से किए। देखो दाद भी वाइट हो गई। मैं ब्रश करके करके मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ के फिर मैं इफ्तारी, अरे वही तो बोल रहा हूँ, अभी मैं कुरान पाक लेके बैठी पढ़ने, अरे वही तो बोल रहा हूँ, मम्मी ने ब्रश नहीं किए, नहीं कुरान पढ़ते पढ़ते वो चाय बनाएंगे, ब्लैक टी पियेंगे, फिर जाके 5:07 का रोजा रखेंगे, उसके बाद फिर नमाज पढ़ेंगे, फिर जाएंगे तेरा पापा का डब्बा बनाने। मैंने वही तो बोला मम्मी ने ब्रश किए नहीं। दूध बिस्किट ये देखो, ये देखे रोजा रख, अरे देखे सो गई है रोजा रख के, एक मोबाइल देख रही है, मोबाइल देख रही है, अरे सो रही है। क्या बोलने को बोले, बोली चल फजर की नमाज पढ़ लूँ, वो सो रहा है, मैं पढ़ लूँ फजर की नमाज पढ़ के, मैं जाऊँ खाना बनाने, इसको सोने दो। रात को सोती नहीं है जल्दी से, और उठेंगे नहीं ना कुछ, ऐसी हो ये करेंगे ऐसे है। और मेरा हो गया, हम लोग रोज़ा रख ली
मैं बोली ना आप लोग को, मैं नमाज उमाज पढ़ के मैं शायरी करने बैठी थी, फिर शायरी करके उठी, फिर कुरान पाक पढ़ी, फिर कुरान पाक पढ़ के फिर टाइम लगा कर रखी थी 5 बजे, चाय पी ली, पानी पी ली, जो खाने का था, गोली उली जो भी रहता है सब करके ले। तो मैं इसके लिए 5 बजे अलार्म लगा कर रखती हूँ जी, मेरे को 5 बजे का अंदर ये सब करके लेने का। उसके बाद फिर अलार्म लगा तो जे रोज़ा रखने के लिए 1-2 मिनट पहले मेरे को पता चल जाए या अभी रोज़ा रखने का 1-2 मिनट बाकी है, उसका अलार्म मैं टाइम सेट करके रख देती हूँ। फिर वो हिसाब से मैं सब करती हूँ, क्योंकि कुरान पढ़ते रहती हूँ तो मालूम नहीं पड़ेंगे, तो ये रोज़ा चला जाएगा इसके लिए उसका करके रखती हूँ। तो रोज़ा रख ली और इसने क्या किया, उठा शायरी किया, फिर जाकर तहज्जुद की नमाज पढ़े। मेरे को बोलता है अभी मैं पढ़ूँ तहज्जुद की नमाज, मैंने बोली पढ़ 8 रकातें पढ़। तो फिर पढ़े कितना रकात का मालूम, पढ़ के रोज़ा वोजा रख के सो गई। रात को जल्दी से सोएंगे नहीं, और अभी उठा रही थी तो उठा नहीं, उठ गया है तो खाया पिया सब किया, रोज़ा रख के सो गई। अभी बोली चल नमाज पढ़ने का फजर की, तो बोलते हैं आजान होने दो। आजान होके कब की गए, अभी कितना बजे रहे मालूम है, मैं बात करूँ आप लोग, 5:25। मेरे को भाजी बनाने का है, भिंडी रात को ही काट के रखी थी तो वही भिंडी बना देंगे, और अभी खाली रोटी बनाने का, आटा घून के, दूध गर्म हो गया, भिंडी बैठा के आटा घून लेंगे रोटी के लिए। मैं जा रही हूँ, सो रही है तो सोने दे रही, मैं नमाज पढ़ के ले रही, 4 रकातें ना मैं पढ़ के लेंगे फटक से पढ़ के, फिर जाओ खाना बनाने, खाना पीना बना लूँ, उसका पापा के लिए बनाएंगे और बाद में देखेंगे क्या बना, तो दोपहर के टाइम पे बना के रख देंगे, क्योंकि शाम के टाइम पे ना नहीं होता है, ये इफ्तारी करो फिर ये करो वो करो तो बहुत टाइम चला जाता है उसमें, तो फिर नमाज पढ़ने का रहता है तो नहीं होता, इसके लिए आप ही सब करके दोपहर को करके रख देंगे। तो चलिए बाद में मिल लूँ आप लोग से, मैं नमाज पढ़ के लूँ, फिर हस्बैंड का सब करूँ, एकदम लॉन्ग टाइम के बाद मिलेंगे। हाय गाइस, तो उठ गए हम लोग, मेरा नाक हो गया, मेरा लड़का का नाक हो गया, लगाई होने दे, कपड़ा लगा के आई, कपड़ा धोने का आज मैसिंग में, तो मैसिंग लगा के आई, एक बार धो के हो गया, अभी पानी से धोने का वो कर रही, और छाना बटाना बॉयल बटाई, अभी उठेगा कुकर की सीटी देखे, और कुकर की सीटी उठ रहा है, छाना बटाना बनाने का, दाल बनाने का, अब देख लो इफ्तारी के लिए क्या बनाओ, इफ्तारी के लिए कुछ बनाने का है, बस हो जाए। तो चलिए यार, अभी कितना बज रहा मानो, 12:16 यार, हम लोग उठे आज 12:15, पीने का पानी थोड़ा ही मिला, झटका मार मार के आ रहा था, आता है तो भर गया, ये इसको उठाओ ना, इसको ये सोती नहीं है जल्दी से, अब सोती है तो उठती नहीं है, मेरे को उठाना पड़ता है, उठ रहे उसके बाद उठेंगे, ऐसा हो गया। अभी जब से मतलब रमजान महीना आया ना, रूटीन पूरा चेंज हो गया हम लोग का, मेरा रूटीन पूरा चेंज हो गया, पहले नहीं तो सुबह ही उठ जाते थे, अभी पूरा 12:30 तक फिर भी आँखें नहीं खुले जाते, क्योंकि सोने ही है तो 7:30, इसके लिए फिर आँखें नहीं खुलता जल्दी से। और आज घर में हम लोग तीनों जन ही रोजा, मैं मेरा लड़का लड़की हम तीनों ही रोजा है, मैं उसका पापा नहीं। तो चलिए दिन भर क्या करूँ क्या नहीं देखा रो, अभी झाड़ू लगाने का है, झाड़ू लगाओ, फिर लादी पोछने का है, वो लड़की अभी लादी नहीं पोछेंगे, अभी सिर्फ झाड़ू लगा कर रख देंगे,
अल्लाह भी ना एकदम आखिरी में पहुँचेंगे, जब सोने जाएंगे ना नमाज पढ़ने का पहला पूरा लादी उदी पहुँच लेंगे तो घर ठंडा रहेगा, नहीं तो बहुत गर्मी होता है इधर से धूप। अभी लाइट जल रहा है बोल के इसके लिए, क्योंकि इधर का खिड़की का पर्दा लगा कर रखी, जैसे ही उठाएंगे ना गर्म भाप आ रहा है पूरा घर पे, इसके लिए लाइट लगा कर रखी। ये लाइट में उतना नहीं हो रहा है उससे बहुत जास्ती हो रहा है। तो चलिए मिल लो आप लोग से थोड़ी देर में, चाना का फिर उठेगा सेट, और एक दो देंगे बस हो जाएगा। चलिए गाइस देखा दूँ, इधर सोयाबीन बॉईल करके रखी, सोयाबीन का आज एक रेसिपी बनेगा जो 1 तारीख के लिए बनेगा, उसके लिए वो सोयाबीन बॉईल करके रखी। इधर दाल हो गया, मसूर की दाल 5 फोड़नी वाला एक हो गया। इधर चना मसाला के लिए टमाटर, कांदा, कोतमीर ले ली, इधर अदरक लहसुन का पेस्ट है, चना इधर है, ये देखिए चना बटाना इधर है बॉईल किया हुआ, इसको बनाने का चलो स्टार्ट करो। चलेगा इस तेल डाल दो, कढ़ाई गर्म हो गया, मैं पूरी खाना राई के तेल में बनाने वाली हूँ। तेल गर्म है अच्छा से, राई के तेल को ना गर्म करके लेना पड़ता है, नहीं तो उसमें से बास आता है। तो गर्म हुए फिर इधर मैंने ले ली लाल मिर्ची पाउडर कश्मीरी छोटा चम्मच, एक चम्मच छोटा चम्मच का आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर छोटा चम्मच का, एक चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ा सी लाल तिक्का लाल मिर्च पाउडर ली, और इसको पानी से घोल के रख देंगे। ये 1-2 मिनट घोल के रखो ना तो मसाला अच्छा बनता है। नमक उसमें डालेंगे और इसमें डालेंगे चना मसाला, मैं निकल के लूँ पहले ये घोल के लूँ फिर चना मसाला। चलिए मेरा तेल गर्म हो गया, देखिए धुआं निकल रहा है तेल में से, मतलब तेल अच्छे से गर्म हो गया। इसमें डाल देंगे जीरा थोड़ा सी, कांदा 2 बड़ा साइज का कांदा ली थी, इसमें डाल देंगे टमाटर, चना मसाला बन रहा है, फिर दूसरा बाद में बना रहे क्या बना रहे, फिर तुम नहा धा पे लो लादी पोछने का नहाने का, किसको आपको मेरे को तो फिर से नहाने का है मैं अभी नहीं नहाती, ये दोबारा एक चम्मच अदरक लहसुन की, मैं एक बार भी नहीं नहाता, मैं दो बार एक ही बार में नहा लेती।
और मम्मी मैं दो दो बार नहाती हूँ, एक बार सुबह हो गया, एक बार अभी ये खाना पीना बना लूँ लेके सब पढ़ के फिर नहा धा के सो जाती। अरे इसमें डाल देंगे, ये तो मसाला जो बना के रखी आप लोग को देखा है, थोड़ा सी नमक थोड़ा सा डालना है ना, टेस्ट ही कहता नहीं क्योंकि आज हम लोग का घर में सब कोई रोजेदार है, कोई आन रोजा नहीं है, खाली एक जन छोड़ के। और इसमें चलिए मसाला जो पाउडर मसाला डायरेक्ट डालने से अच्छा आप लोग कभी ऐसा करके डाल के देखिए, इसका टेस्ट अलग होता है, थोड़ा सी चेंज हो जाता है। चलिए इसको अच्छे से भून लो, फिर कोतम्बी डालने का खाना डाल। चलिए देखिए तेल छूट के आया, बाबाई तू नहाएगा? वो नहाया एक बार पूछ, मैं नहाएंगे बाद में एक बार, मैं बोलेंगे मैं बोलेंगे ना मैं नहाएंगे तो वो भी बोलेंगे हमें अभी नहाएंगे। खाना वाना रही पसीना पसीना देखे, इसके लिए मैं रोजाना मैं जब सोने का टाइम ना नहा धा के सोते थोड़ा आराम मिलता है, बॉडी रिलैक्स होता है। क्या हुआ? तो चलिए से हो गया मसाला मेरा, इसमें डाल दो चना बटाना, मेरी मोबाइल से हरा दूसरी तरफ सोयाबीन को ये करना पड़ेगा, पीसना पड़ेगा मिक्सर में। ये हो गया, इसमें पानी नहीं डालने का, इसको सूखा ही रखने का। ये बन गया, इसको खाली कोतम्बीर काट के डालने का। तो चलिए मिल दूँ आप लोग से, हमारा चना मसाला बन के इस ढन, ये इफ्तारी का भी है और हम लोग का डिनर का भी है। बाप रे खाने में भी हो जाएगा, हो जाएगा मेरी हालत देखिए। जाओ जाके नहाओ और सो जाओ। अभी नहीं, मेरे अभी सोएंगे, नमाज पढ़ने का है, कुरान पढ़ने का है, 3:30 बजे सोने का है। चलो भाई पहले चले गए सीधा है, ये क्या है मालूम है, सोयाबीन जो पीस के रखे थे पानी में, इसमें डाल देंगे एक कद्दू केस कस करके रखी बटाटा, और डालेंगे कद्दूकस कांदा और कोतम्बी। चलिए कोतम्बी डाल दी, ये भी डाल दी, अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी नमक सब डाल दी देकर। चले गए सभी, इसमें डाल देंगे काला मिर्च पाउडर थोड़ा सी तीखा लाल मिर्ची पाउडर, काला मिर्ची थोड़ा सी डाल दे, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच 1 चम्मच हल्दी डाली, अभी जीरा पाउडर डालने का। चलो इसमें डाल देंगे थोड़ा सी गरम मसाला पाउडर और डालेंगे बेसन, 3-4 चम्मच बेसन डालेंगे और थोड़ा अरारोट पाउडर। चलो गैस इसमें डाल दी अरारोट की पाउडर और 1 चम्मच डाल दूँ, हो जाएगा। चलो गैस इसमें सब मिक्स कर दी, अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ, इसमें पानी नहीं डालने का, इसके पानी से हम लोग को एक डो बना के लेना पड़ेगा अच्छे से। तो चलिए मैं मिक्स करके लूँ फिर बात करूँ। चले गैस देखिए पूरा मिक्स हो गया है, देखिए ऐसा ऐसा करो ना तो टूट ट्राइनिंग मतलब ये अच्छे से ये हो गया सेट हो गया। तो चलिए इसको ढक के फ्रिज में रख दूँ, फिर शाम से को तो ये बना ली
उसका भी तेल में छोड़ देंगे। तेल गरम करके ली मैंने। लो है गैस, लो गैस में मैं इसको अच्छे से फ्राई करके लेंगे। ये होने दीजिए जब तक, फिर बाना के लिए। ये देखिए हो गए मेरा कोफ्ता, बाना यार एकदम कुरकुरा हुआ देखे कुरकुरा। अभी फिर से डाली और इतना है इधर तीन पीस है और इतना है, बाना लूँ ऐसे शेप में। फिर तो गाइस ये देखिए हो गया, कैसा बाना बताने का। हाँ फर्स्ट टाइम लाइव का, इसके लिए अभी तो मैं बता नहीं पाऊँगी आप लोग को कैसा बना। देख के तो लग रहा है अच्छा ही बना, एकदम कुड़कुड़ा देखे, एकदम कुड़कुड़ा बना, लेकिन कैसा बना तो खाने के बाद पता चलेगा। तो चलिए एक फोड़ के देखने में क्या जाता है। ये देखें अंदर तक एकदम पक गया। ये ऊपर ही रहा, अरे सब बॉल बना ले, बना लिया अभी आखिरी में। जिसको बॉल चाहिए वो बॉल खाएगा, जिसको ये चाहिए वो ये खाएगा, दोनों ही खाएगा जिसको जो चाहिए। अभी ये लास्ट है चापटा वाला हो रहा है, ये हो जाएगा तो फिर बॉल वाला छोड़ेंगे। जिसका जो पसंद आएगा वो खाएगा। अब फर्स्ट टाइम एक कबाब बना रही मैं। चलो गुड इवनिंग, और अभी बज रहा है 6 बजने जा रहे। मेरी हालत छोड़िए, मैं बाल नहीं बनाई अभी तक, क्योंकि बाल बनाने जाएंगे ना बहुत टाइम लग जाएगा। और देखिए पक्का 6 बजने जा रहे, मैं बात 1 मिनट बचा है 6 को, और बाल में तेल लगाने का है, उसका बाद बना पाएंगे। इसके लिए नहीं बना रही जल्दी से। कल थोड़ा सी तेल लगा के गई थी ना, क्या बोली थी, कपड़े का माप देने जा रही, माप देने गई उधर से आई आके, फिर नमाज मच पड़ी तारावी की नमाज, फिर तहज्जुद तारावी के तहज्जुद की नमाज शायद वो पढ़ी, ईसा की नमाज पढ़ी, फिर वो पढ़ी, फिर जाके कल बड़ी रात था उसकी नमाज भी पढ़ी सबकी, फिर खाना पीना खाई सो गई। कल में ख़त्म मेरी लड़की किया, मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा है। तो यही चल रहा है लाइफ, दो बार खाना, सब दो बार अच्छा लग रहा है, नहीं करे तो बुरा लगता है बहुत। कल नहीं किए थे तो बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन आज अच्छा लग रहा है। जहाँ इफ्तारी बन रहा है अपना घर में भी, अपन भी रोजा है, मेरा बच्चा भी रोजा है, जो रोजा खुलेगा। अभी ये कर लूँ फूट काटने का है, फिर उस दही ला कर रखी, दही की लस्सी बनाने का है, सब करने का है, सब कर रही हूँ मैं। आखिर लस्सी बनाने का जा रही हूँ, ये हो गया इसको उठा लूँ, फिर गोल वाला छोड़ लूँ। लड़की सोई है इसके लिए नहीं उठ रही हो, तो अब क्या करूँ, नहीं उठ रही है तो मैं भाजी वो डाल रही हूँ ना पकौड़ा, इसके लिए आप लोग से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, ये करना तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। हो गया थोड़ा सी बचा है, हो जाए तो चलिए मिल लूँ फूट उठ काट के लूँ, बाद में एकदम रोजा वोजा खोल के ना मगरिब की नमाज पढ़ लेंगे। उसका बाद जो टाइम मिलता है ना थोड़ी देर, मगरिब का नमाज पढ़ने के बाद ईसा का नमाज तक, तभी मैं बाल में तेल लगा के बाल बांध देंगे। बाल काटने का था नीचे से थोड़ा सी, हस्बैंड को बोली, हस्बैंड बोलता मेरे को रात को बोलने का सुबह नहीं तो रात को या सुबह, तो बाल काटने के लिए उनका पास तो दिन भर काम रहता है, दिन में काम पे चला जाता तो नहीं काट पाएंगे इसके लिए। और मेरे को ब्यूटी पार्लर में जाने नहीं देता है, ब्यूटी पार्लर में बोलता है नहीं जाने का,
क्योंकि ब्यूटी पार्लर में जाएंगे तो बाल जास्ती काट देते हैं, इसके लिए माना है ब्यूटी पार्लर जाना, समझे? फिर खाली आईब्रो करने जा सकती हूँ बस, और कुछ नहीं, बाल तो बिल्कुल नहीं, टैच ही नहीं करने का ब्यूटी पार्लर में जाकर, ऐसा है। तो चलिए मिलती हूँ आप लोग से इफ्तारी का टाइम। चलिए गाइस आज इफ्तारी में क्या क्या है आप लोग को दिखा दे रही हूँ। गुलाब लस्सी, दही का लस्सी में ए रहने देना, तो गुलाब लस्सी नहीं है, नहीं हिंदी का लेके आया ना, ब्लू वाला रहेगा। अरे इधर है फ्रूट, कलिंगर, केला, एप्पल, फिर अंगूर, अरे इधर कोफ्ता, इधर गोल कोफ्ता, जिसको जो खाने, और इधर ठंडा पानी बॉटल, एक वो ग्लास में भी है, और इधर गर्म पानी बॉटल, और इधर है मेरा तो घुटक के मार रोज शरबत, इसके बहुत अहमी है, कम हो गया है, लेके आना पड़ेगा। आज ये भी रोज आए, ये मैडम साहिब भी रोज आए, मेरा बॉटल दे दे, सबका बॉटल सबका पास, ठंडा पानी। चलो हमारे इन लोग बस शरबत लेके बैठते हैं, इन लोग का लस्सी वाला, हम पहले से ठंडा पानी का बॉटल लेके क्योंकि अंदर इन लोग पानी की तरफ चलते हैं ना, जैसे जैसे टाइम और पास आते हैं ना खुलने का, वैसे वैसे टाइम बढ़ते हैं। अच्छा चलो दुआ मांगो, टाइम होते यार है। हाय गाइस, गुड इवनिंग, और अभी बज रहा है रात की, कितना बज रहा है, 8:45, 8:45 हो गया। तो हम लोग का इफ्तारी हो गया और रोज़ा खोल के भी हो गया, चाय भी पी ली, हस्बैंड गया बाहर, उसका कुछ काम है इसके लिए, अभी फिर नमाज पढ़ने जाने का हिस्सा की मैंने ली, तब तक थोड़ा सी चाय पी ली, फिर आप लोग का सब बात कर लूँ, वीडियो भी ख़त्म कर लूँ और खा रही हूँ इसको। ये पतंजलि का है दूध बिस्कुट, तो ये क्या, तो बोली वीडियो भी ख़त्म कर लूँ, और कोफ्ता जो बनाई थी मिस का कबाब, जो भी कोफ्ता बोलते हैं कबाब बोलते हैं, बहुत टेस्टी बना था। मेरा बेटा तो सबसे जास्ती वो ही खाया, कभी सोयाबीन नहीं खाता है, मैं सोयाबीन की भाजी बनाएंगे ना, नीचे डब्बा रखी, पैर सूज जाता है ना मेरा, तो डब्बे के ऊपर पैर रखती हूँ ना, वो एक बैठने वाला डब्बा है उसके ऊपर पैर रख लूँ, तो जब ज़्यादा दुखता है तो पैर उसको ऐसा सड़क के पैर लंबा करती तो ऐसा आ जाता, ऐसा वो कभी सोयाबीन नहीं खाता है, आज वो सबसे ज़्यादा सोयाबीन वो ही खाया, भरपूर कोफ्ता बनाई, वो खाते ही गया घूमते, रोजा खोलने का टाइम चार खाया, घूमते फिरते खाते ही आ रहा, मैंने बोली अच्छा बना पैर, बहुत अच्छा बना। हस्बैंड एक ही खाया, मैं खाई दो और लड़की नहीं खाई है, बहुत टेस्टी बना था, आप लोग भी कभी ट्राई करके देखने का घर में, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है, आप लोग भी ट्राई करके देखने का। तो मैं वीडियो भी ख़त्म करूँ, आज हम लोग मेरा 20 रोज़ा कंप्लीट हो गया, आज 20 रोज़ा कंप्लीट हुआ, 25 पारा भी कंप्लीट हो गया, खाली 2-3 पेज बचा है, मैं अभी नमाज पढ़ लूँ, उसका बाद फिर पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तारावी का नमाज चालू होंगे, तारावी ना, हाँ ईसा की नमाज जो ख़त्म हो गई तारा भी चालू हो जाता है, तो अभी पढ़ नहीं सकती हूँ, तो 10:30 बजे पढ़ना पड़ेगा मेरे को इसके लिए, फिर वो पढ़ लेंगे ना, 3 पेज है,
तो मेरा 25 बड़ा कंप्लीट हो जाएगा, बचेगा 5, वो उठा लेंगे मैं 5 भी, इंशाल्लाह मेरा 1 कुरान पूरी हो जाएंगे। क्या करूँ, मेरे को काम करना पड़ता है, सब करके भी मेरे को जो बीच बीच में टाइम मिलता है मैं उतना टाइम पे कुरान पक पढ़ती हूँ, इसके लिए थोड़ा ये होता है। और कुरान पढ़ तो मेरे दिल को एक सुकून मिलता है बहुत ही, तो मेरे को बहुत सुकून मिलता है कुरान पढ़ के, कुरान पक पढ़ के ऐसे। तो चलिए वीडियो भी ख़त्म कर लें और अभी गाना उन्हें चालू हो जाएंगे इन लोग का। कल ये है ना अम्बेडकर जयंती है, डॉक्टर साहब अम्बेडकर जयंती है, इसके लिए गाना बजाना चालू हो जाएंगे, तो उसका पहले वीडियो ख़त्म कर दूँ। तो चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही, बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, सिद्धती सिद्धि, हैप्पी नाइस डे। और हम लोग का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और प्लीज़ प्लीज़ आप लोग स्किप करके वीडियो मत देखिए, पूरी वीडियो वॉच कीजिए, वीडियो स्किप कर करके आप लोग देख रहे हो तो मेरा वीडियो का वॉच टाइम भी कम होते जा रहा है, इसके लिए बोल रही हूँ आप लोग वॉच करके मत देखिए, पूरी वीडियो देखिए आप लोग, तो ही आप लोग को समझ में आएंगे मेरी सब में क्या बात आती हूँ, क्या करती हूँ क्या नहीं। स्किप कर करके देखने से तो कुछ नहीं मिलेगा ना ऐसा। तो चलिए कल मिल रही हूँ, और जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए हम लोग को और आगे बढ़ने की मोटिवेशन दी। जब आप लोग वीडियो देखते हो तो यार एक लाइक और कमेंट तो कर देने का, तो समझ में आएंगे वीडियो आप लोग को कैसा लगा कैसा नहीं, जब वीडियो में क्या कमी है, जे वीडियो का वॉच टाइम छोटा, मतलब वीडियो बड़ा लॉन्ग देरी में तो उसको छोटा शॉर्ट में देने का, कैसे ही रखने का, तो ये सब आप लोग बताएंगे तो ही पता चलेगा मेरे को। तो चलिए कल फिर मिल रही वही शायरी का टाइम पे, क्योंकि आर तो थोड़ा दिन का ही हो जाए, रात करने से सुकून मिलता है, एक दिन का नहीं रखी तो एक रोज़ा मेरा कम छूट गया, कम हो जाएगा 30 रोज़ा में से। तो चलिए कल मिल रही, बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, और अपना फैमिली जैसा मेरे को प्यार है तो वैसा अपना फैमिली का प्यार करूँ। और अभी रमजान महीना है तो आप लोग कितना बिजी रहे तो फैमिली का साथ तो रोज़ा खुल के एक बार इफ्तारी करके देखिए कैसा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। मेरा कोई नहीं है इसके लिए मेरे को बहुत बुरा लगता है, जब कोई रहता तो पूरी फैमिली, तो फैमिली का साथ तो रोज़ा खुलने के लिए इफ्तारी करने के लिए बहुत अच्छा लगता था, लेकिन कोई नहीं है, अकेला अकेला हम लोग तीन जन, हस्बैंड आ जाता है शायरी का टाइम पे, इफ्तारी का टाइम पे हस्बैंड आ जाता है, जब हम लोग रोज़ा खुलने बैठते हैं ना तब भी आ जाता, लेकिन हस्बैंड तब नहीं करता है क्योंकि वो बाहर से आता है ना, इसके लिए वो आके बैठता है इधर ऊपर कुर्सी में, लेकिन वो हम लोग का साथ इफ्तारी नहीं करता, रोज़ा नहीं खुलता, वो बोलता है नहीं मैं गंदा हूँ, मैं अभी कुछ नहीं करूँगी, मैं पहला साफ़ सुथरा होंगे, नहाएंगे धाएंगे सब करेंगे, उसका बाद मैं मेरा इफ्तारी करेंगे। तो आखिरी में जो हम लोग खा पी के ले तो फिर उनके लिए रख दे, तो फिर उन्होंने बाद में इफ्तारी करते बैठ बैठ के ऐसा है। तो चलिए कल मिल रही हूँ आप लोग, बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रख।